एडवोकेट जमालुद्दीन साहब, हाजी मोहम्मद साहब, एडवोकेट अबरार साहब, मोहम्मद अबरार साहब और बेल्लारी वक्फ के DWC के चेयरमैन जनाब हुसैन पीरान साहब, वो भी बहस पर तशरीफ लाए। एडवोकेट जनाब माजिद साहब और हमारे दूसरे जो स्पीकर दादा पीर साहब हैं, यूनुस साहब हैं और हमारे लतीफ़ साहब हैं जो हमारे APCR के अराकिन हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप बराए मेहरबानी उधर ही रहें। अभी प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। मैं मौलाना अमनुल्ला साहब इमाम खतीब मस्जिद मामून से दरख्वास्त करता हूँ कि तिलावत कुरान पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا इस्तकबाल। मैं जनाब एजाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस्तकबाल या कलमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्लु अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। इबादे सबा, कुछ तू ने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाँ न बिछाना राह में, हम आँख बिछाने वाले हैं। मौजिद सामे, ये अल्लाह ताला का लाख लाख कर्म एहसान है कि आज हमें यहाँ पर सब मिल बैठ कर यौम आईन को मनाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के प्रेसिडेंट अली जनाब एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ साहब का और इस ताल्लुक़ से पेश रहने वाले उनके साथ में जो कमेटी है उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने आज का मौका फराहम किया। दूसरा सबसे अहम बात ये कि शहर बल्लारी के जमात इस्लामी हिंद शाख बल्लारी के अमीर मुकामे और जमात का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमें मौका फराहम किया और यहाँ पर दीगर जमात के साथी भी हाजिर हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं एडवोकेट खालिद साहब, इनका खैर मकदम करता हूँ। जनाब अब्दुल माजिद साहब जो डाइस पर तशरीफ़ फरमा है, इनका भी खैर मकदम करता हूँ कि आज इन सभी हजरात ने इस जलसे को रौनक बख्शी है। साथ ही साथ एडवोकेट जमालुद्दीन साहब, एडवोकेट मोहम्मद अबरार साहब, जनाब दादा पीर साहब और जनाब हमारे शहर काजी जनाब मोहम्मद
जनाब मोहम्मद सिद्दीकी बल्लरी, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप आए और हमारे डाइस को रौनक बख्शी। साथ ही साथ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुसैन पीरा साहब, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारे इस जलसे को रौनक बख्शी है। और उसके साथ जो हजरात डाइस पर हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सका, माजरत के साथ, क्योंकि आप अपराध, तो और जो हाजिरीन हैं इन तमाम का खैर मकदम करते हुए आज की कार्रवाई शुरू होने का ऐलान करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मोहतरम हजरात, आप सबको मालूम है कि आज हम योम हिंदुस्तान दस्तूर हिंदुस्तान या योम आईन मनाने जा रहे हैं। ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जब दस्तूर तैयार हो गया तो उसको हम अमल में लाने के लिए एक्सेप्ट कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, और उसको अमली जामा 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में अमल में है। अच्छा, 19/11/2015 को ये जो मौजूदा हुकूमत है सेंट्रल में, आज़ादी हमने 1947 में मिली, 1950 में हमारा आईन इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चल रहा था। 19/11/2015 को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ये डिसाइड करी कि हर साल 26 नवंबर को हम योम आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना बिल्कुल डिसाइड करें। तो 1915 से ये दस्तूर चल रहा है, इसीलिए आज हम भी APCR के जानिब से दस्तूर को इसको मनाने जा रहे हैं। इसी के ज़िम्मन में अभी एक हलफनामा है, उर्दू में है, मैं पढ़ता हूँ। बराए मेहरबानी आप सब खड़े होकर अपना हाथ सामने इस तरीके से रखकर खड़े, मैं पढ़ता हूँ उसी तरीके से आप दोहराएं। ये आईन है, आईन की इज्जत करना, एहतराम करना, ये हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ होता है। बराए मेहरबानी आप सब हाथ सामने रखकर, मैं पढ़ता हूँ इसी तरीके से पढ़िए। भारत का आईन, हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाज, एक मुख्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ और सियासी इंसाफ, आज़ादी ख्याल, इजहार अकीदा, दीन और इबादत, मसावात बाएतबार हैसियत व मौके, और इन सब में उख़ुवत को तरक़ी दें जिससे फ़र्द की अज़मत और क़ौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़ुन हो। इस आईन को ज़रिए हाजा इख्तियार करते हुए वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिस करते हैं। जय हिंद, जज़ाकल्लाह, तशरीफ़। इसके बाद मैं हमारे APCR के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद यूनुस साहब से दरख्वास्त करता हूं कि APCR का इंट्रोडक्शन और इस दिन के ताल्लुक से आप बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
समय जैसा कि अभी आपको तारुफ किया कराया गया, आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवेयरनेस के बारे में मालूम कराते हुए इंशाल्लाह, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन डे परसों ही ख़त्म हो गया क्योंकि संडे जो है हमारे लिए एक मजमू को जोड़ने के लिए और हमारी बात उन तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा मौका था, वक्त का तकाजा रखते हुए जो है आज इंशाल्लाह इसके बारे में हम मालूमात कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशंस के लिए जहां ये जो तंजीम एक्चुअली जो है ये जो तंजीम जो है इंट्रोडक्शंस के तौर पर मुझे कुछ कहने के लिए कही है, मैं अपनी तंजीम एपीसी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के बारे में चंद मालूमात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट्स ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट द एपेक्स लेवल विथ इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली एंड रेस्पेक्टिव स्टेट्स and simultaneously it is extended to respective districts and also tolic levels too. ये तंजीम जो है दिल्ली इसका मरकज़ है, मुख्तलिफ स्टेट्स में ये जो तंजीम जो है काम कर रही है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसा कि नाम बताता है, शहरी हकूक, इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, वॉट एवर यू मे कॉल, ऑलमोस्ट दे आर सिनोनिमस। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हुए मैं ये मालूम कराना चाहता हूँ, तकरीबन कई सालों से हमारी ये कोशिश रही कि अवाम तक जो है अपने हुकूक को, अपने राइट्स को, अपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन चीज़ों को हम जो है अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से निभाएं। एक बेहतरीन सिटीज़न होने का हमें जो है सबको जो है एक पैगाम पहुँचाए। इसके लिए चल हवाई सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स आर देयर, सर्टन फंक्शंस आर देयर। बल्लारी पर तकरीबन 5-6 साल पहले हमारी यूनिट शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, यूसुफ साहब और जनाब हबीबुल्ला साहब इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी सिलसिले से वी हैव कंडक्टेड प्रोग्राम्स इन रंगमंदिर, वी इनवाइटेड द फेमस डिग्निटरीज फ्रॉम स्टेट लेवल एंड दे हैव स्पोकन ओवर सर्टेन बर्निंग इश्यूज टू। इस बारे में जो है हमारी एपीसीआर क्या है, किस लिए बनी और हमारा मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद यह है कि एसोसिएशन माने एक जमात के शक्ल में हम खड़े हुए हैं कुछ मकसद लेकर, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर हम खड़े हुए हैं। किन के लिए? जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको सताया जा रहा है, जो कानूनन तरीके से अपने आप को महफूज नहीं समझते और जो है कानूनी कार्य आगे किस तरह क्या करना है इन लोगों को जो है इल्म नहीं है, इन चीज़ों की मालूमात के लिए जो है एक एसोसिएशन बना हुआ है, ओनली विथ रिगार्ड्स टू लीगल मैटर्स, लीगल राइट्स, इलीगल काम है इसमें कुछ भी नहीं होते। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई पॉलिटिक्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इससे जो है ये नहीं रखता। वी वेलकम एवरीबडी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, जो हम ख्याल रखते हैं, जो सेक्युलर हैं हम जो है उनके साथ हैं, जो सेक्युलर हैं, जो इंसानी दर्द को महसूस कर सके। इसी तरीके से नीड ऑफ द आवर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा संविधान जैसा कि जनाब हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, अभी जो है हम जो शपथ लिए, जो प्रॉमिस करे, जो ये करे, उसमें जो क्या है, देखा वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह
we are second to none in protection of the constitution. We are second to none. I repeat and stress, we are second to none in protecting our constitutions. अफसोस के साथ कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम पे बहुत कुछ आजकल गलत फहमियाँ हो रही हैं। चंद नासमझ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये हमारी तंजीम जो है जुड़कर आगे काम करने का इरादा रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी बन चुकी है, एसोसिएट मेंबर्स भी है इसमें और दानिश्वर लोग भी हैं। इसी अंदाज से हमारे तंजीम जो है कोई भी मसला हो, दीनी मसला हो, छोटा मोटा आलिम दीन के साथ मिलकर इसे अपने लेवल में सॉल्व करें ताकि लोगों में हम एक उछल कर लोग जो है अगर कोई सुनेंगे दूसरे लोग तो इसे उछाल कर क्या है इसको शेप भी झलक दे देते। और ये कमेटी होश की है, सबसे बड़ी चीज़ ये कमेटी होश की है, जोश की नहीं। कानूनी तौर पर जो भी हमें करना है बस। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट्स क्या है, हम सब जुड़कर कोई भी अगर माशरे में कोई भी मसला है कानूनी तौर पर मस्जिद कमेटीज़ मोहल्ला कमेटीज़ फॉर्मेशन करे हैं और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ज़रिए मसले को मालूम कर लेकर मसला अगर लोकल लेवल में हल हो सका तो लोकल लेवल में हल करेंगे इंशाल्लाह, कानूनी दायरे में रहते हुए, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ये क्या है, सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ के लिए नहीं है ये, बस आखिरत की रोज़ी कमाने के लिए, आखिरत की नेकी आखिरत के वास्ते है हमारा। इसमें जो है दुनिया की कोई रेमुनरेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब, बस कौम खिदमत कौम है, कौम की खिदमत करना है। इसी अंदाज से जो है हमारे राइट्स क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे हिंदुस्तान का प्रियम्बल क्या है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमारे फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स हमारे जो खसूसी स्पीकर्स हैं आपको मालूम कराएंगे। और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मेहरबानी फरमाकर आप लोग इससे जुड़ें, खुद जुड़ें, आपके दोस्त अहबाब को जुड़ाएं और जो है जितना हो सके उतना कौम को, हमारे कौम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे पास मोहल्लावार कमिटीज़, मस्जिद बेस्ड कमिटीज़ थोड़े बन रहे हैं और थोड़े बन चुके हैं, वहाँ से सोशल एक्टिविस्ट जो जज्बा रखते हैं दीन की खिदमत करने का और जो है दीन की खिदमत के साथ साथ जो है माशरे की खिदमत खल के साथ साथ हुकूक लिबाद भी जो है ये हुकूक लिबाद की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देते हुए उनके प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये हमारा मकसद जिसलिए हम जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं इंशाल्लाह पूरा होगा और अल्लाह ताला इसका अजर हमें नमा बदल बेशक देगा। हर 15 दिन को एक बार जो है हमारी मीटिंग यहाँ पर जुड़ती है, उसके बाद जो है चंद लोकल एरियाज के मसाइल जो है डिस्कस किए जाते हैं, किस अंदाज में क्या करना है, कैसा करना है, किस अंदाज में इसे लेके जाना है। खुसूसन बिलखसूस बल्लाहरी में गरीब तबका ज़्यादा है, खुलबजा एरिया में मैक्सिमम केसेस एज पर सर्वे वेन यू गो टू दी कोर्ट फैमिली कोर्ट में जाकर हम देखते हैं मैक्सिमम केसेस आर रिलेटेड टू फैमिली डिस्प्यूट्स स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन लॉज रिसेंट कोर्ट के चक्कर काटते काटते जो है खुद भी तबाह हो जाते हैं, दूसरे भी तबाह होते हैं, वक्त भी ज़ाया हो जाता और जो है एग्जॉर्बिटेंट फीस ऑफ लॉयर्स भी बास वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर पुअर पीपल। इससे हल क्या निकलता है मालूम ही है, कोर्ट के हालात मालूम है, तारीख पर तारीख मिलती जाती है, मसले हल नहीं होते। क्यों ना हम मिलकर इन मसलों को अपने हद तक सॉल्व करें, अगर ना हो सका तो वाई दिस शुड नॉट बी टेकन टू लोक अदालत में लेकर जो है कॉम्प्रोमाइज़
करके कुछ कर सके। जहाँ पर हमारे एमिनेंट एडवोकेट्स ऑफ बेल्लारी मौजूद हैं हमारे कौम के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये जज्बा उनको हर वक्त अता करे और जो है इससे जुड़कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली इसमें इन मैटर्स में हमारे कौम के मैटर्स में मैक्सिमम मदद करने की कोशिश करें। मेरा मोतबाना गुजारिश मैं करता हूँ उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए, आखिरत कमाने के लिए और किसी के आंसू पोंछने के लिए आप ज़रा सामने आए तो हमारे हाथ भी मजबूत होंगे। इसी तरह हमारे राइट्स, थोड़े राइट्स हैं, कौन से राइट्स हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जाके एफ आई आर लॉन्च कर देते हैं, वी गो एंड इमीडिएटली गो एंड लॉन्च द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जाके पुलिस में कंप्लेंट करो बोले तो पुलिस बोले तो लोग डर जाते हैं, इवन एजुकेटेड पीपल आर वरीड अबाउट। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं और जो है मालूम कराते हैं। अरेस्ट हुआ तो क्या करना, किन हालात में अरेस्ट होता है, व्हाट आर द सेक्शंस अंडर विच अरेस्ट हैज टेकन प्लेस, व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, इसके सेक्शंस क्या हैं अंडर सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट के तहत। इसी तरह सर्च वारंट्स आते हैं, सर्च वारंट्स सभी आके इमीडिएटली जाके इमीडिएटली घुस के सर्च नहीं कर सकते। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल्स, इसके बाद प्रोडक्शन इन द कोर्ट, टेकन आउट फ्रॉम द कोर्ट, कब कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, पुलिस कस्टडी में कितने दिन रखना है, लीगल एड क्या है, उसे कानूनी मदद कितनी मिलती है, बेल है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कब कॉग्निजिबल ऑफेंस में किसे अप्रोच करना, कैसे अप्रोच करना, इसके बाद जो है वुमेन को अगर अरेस्ट करना है उनके थोड़े राइट्स है। इसी तरह बच्चों के लिए जुवेनाइल राइट्स एक्ट एक है। इन तमाम चीज़ों को जो है मालूम कर लेने के लिए मालूम ज़रूरी है, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। Unless we are familiar with the knowledge of we know law, unless we know law, we are not able to protect anybody, we are not able to, we will be in dark. इसी तरह सम राइट्स ऑफ प्रिजनर्स भी है। प्रिजनर्स पर जो है आजकल खसूस खासकर मैक्सिमम अत्याचार हो रहा है प्रिजनर्स में। कभी कभी हम विजिट करके क्या हो रहा है, उनका हाल क्या है, कम से कम आते अगर आते गए वहाँ पर जाते गए तो उनको एक एहसास होता है, एक एसोसिएशन है, इनका ख्याल रखता है, दे कमांड आस्क अस, हमें जो है इनसे अच्छा सलूक करना चाहिए। टू सम एक्सटेंट वी कैन अवॉइड द टॉर्चर्स गिवन टू दोस पीपल। इस मकसद से हमें जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपना हाथ बढ़ाइए और इस तंजीम को आगे लाने के लिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन, क्योंकि दूसरे स्पीकर्स भी हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ यहाँ पर। दुनिया में कई मज़ाहिब हैं और हर मज़हब को अपने मज़हब को पहचानने के लिए और अपने मज़हब पर अमल करने के लिए, अमल पैरा होने के लिए वो मज़हब की एक एक किताब है। हर मज़हब की एक एक किताब है। वो किताब क्या है? वो मज़हब के लोगों पर पाबंद करती है कि तुम इस तरीके से जीना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। और हर मुल्क में भी एक आइन होता है जिससे क्या है वहाँ की सिटीजन्स को, वहाँ के अवाम को पाबंद किया जाता है। जब तक इंसान को, इंसान पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो तो क्या है जंगल राज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आइन है हमारा हिंदुस्तान का जो आइन है दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। इसी ये और बात कि इसको किस तरीके से आने वाली हुकूमतें या गए हुई हुकूमतें डील कर रहे हैं ये अलग बात है, मगर बाहैसियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड वेरी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। तो इसी के ताल्लुक से अभी जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे एक, अब हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुक़दस किताब कुरान को हम नहीं पढ़ते मतलब उसको माने के साथ नहीं पढ़ते, उसके आयतों को पर तदब्बुर नहीं करते, उसकी क्या पुकार है हम नहीं सुनते। कुरान एक ऐसी किताब है, मैंने बताया कि हर एक मज़हब की एक किताब है। अगर हर मज़हब के लोग कुरान को पर अमल करें तो पूरी दुनिया के लिए एक आइन जो कुरान है काफ़ी है, पूरी दुनिया के लिए एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन कुरान काफ़ी है। हम कुरान को ही मतलब से नहीं पढ़ते, समझ कर नहीं पढ़ते, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कौन पढ़ती, नहीं पढ़ते। बहरहाल
इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिटीजन को हुकूक दिए गए हैं और उनके लिए जो भी जुल्म होता है, जो भी होता है, उसको किस तरीके से तदारुफ किया जाए वो भी दिए हैं। उसके तहत इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हमारे एडवोकेट जनाब जमालुद्दीन साहब अर्ज करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इस उनवान को एक 15 मिनट के अंदर उसको कर ले तो मुनासिब होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे जो मौजू दिया गया था, मैं जो मौजू पर तैयार होकर आया था, वो मेरा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत में जो अहदनामा पढ़ा गया है वही हमारा आइन का प्रियम्बल है। वो आइन का प्रियम्बल क्या है अंग्रेजी में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लफ्ज ब लफ्ज यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। तीन लफ्जों पर कॉन्स्टिट्यूशन पहले हुआ था 1976 में, उस पर अमेंडमेंट लाकर तीन और लफ्ज, तीन और, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, वो ऐड किया तीन लफ्ज। सो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सॉवरिन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ November 1949 to hereby adopt and enact and give ourselves to this constitution। यही अहदनामा हम प्रोग्राम की शुरुआत में वही पढ़े। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ इस प्रियम्बल में मिल जाता है। क्या है इसमें हुकूक, क्या हुकूक है? इंडिया एक सॉवरिन स्टेट है। सॉवरिन बोलने से किसी के मातहत नहीं है, खुद मुख्तियार है। इधर की आवाम खुद मुख्तियार है कि अपनी नुमाइंदगी से सरकार चुने और उनका आईन और उनका कानून जो है वो खुद बना सके अपने नुमाइंदों के जरिए से। और दूसरा है सोशलिस्टिक, ये लफ्ज सोशलिस्टिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में अमेंडमेंट लाने के बाद सोशलिस्टिक को इनकॉर्पोरेट किया। सोशलिस्टिक माने समाजवाद, पहले इनइक्वालिटी बहुत सारी थी, चाहे वो माशरे में हो, इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल में हो, सब इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। इसीलिए ये सोशलिस्टिक पैटर्न ले लेता है हमारे सोसाइटी में। सोशलिस्टिक पैटर्न में भी दो नमूने के, दो किस्म के सोशलिज्म है। एक तो कार्ल मार्क्स का जो रशिया फॉलो करता और चाइना फॉलो करता, दूसरा है गांधी का सोशलिस्टिक पैटर्न। हमारा आईन में ये सोशलिस्टिक पैटर्न आके गांधी सोशलिस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करके अमल करके है। सो इससे क्या होता, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, उसे आगे लाने के लिए गवर्नमेंट, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे अपॉर्चुनिटीज देना है। सो इस वजह से 1976 में इसे अमेंडमेंट लेके आके इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद आया सेक्युलर,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं था सेक्युलर, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तीन लफ्ज में ही था। सेक्युलर ले लेगा, सेक्युलर लाने का मतलब क्या था कि हर कौम हर मजहब हिंदुस्तान का समान है, कोई अपर कैस्ट नहीं, कोई लोअर कैस्ट नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं है। इस वजह से ये पहले हर कौम में एक फॉरवर्ड कैस्ट रहता था, एक बैकवर्ड कैस्ट रहता था। उस इम्बैलेंस को निकालने के लिए, इनइक्वालिटी को निकालने के लिए ये लफ्ज 76 में इनकॉर्पोरेट किया गया। और उसके बाद डेमोक्रेटिक जमहूरियत, हर आदमी हर सरकार जो भी बनती है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनती है। जो हिंदुस्तान के आवाम है वो अपने नुमाइंदे के चुनकर सरकार बनाते हैं। सो ये डेमोक्रेसी है। हर नुमाइंदे हर सिटीजन का एक ही राइट्स, एक ही वोट, एक ही वैल्यू उसका। अपर कैस्ट वाले डाले तो भी एक ही वोट, सौकर डाले तो एक ही वोट, गरीब डाले तो वही वोट, काउंट इक्वालिटी ऑफ वोट्स। सो ये डेमोक्रेसी है। सो बड़े आदमी का बड़ा वोट, छोटा आदमी का छोटा वोट, डबल वोट नहीं, वैसा नहीं है। हर इंसान का, हर सिटीजन का अबव 18 इयर्स का एक ही वोट काउंट होता है। सो उसके बाद रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट अडॉप्ट करने के बाद हम रिपब्लिक हो गए। सो उसके बाद इससे क्या कर रहे हैं हम, ये पूरा जमावड़ा करके हमें क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हासिल इंसाफ। इंसाफ किस वजह से, किस माशरे में? सामाजिक इंसाफ। सामाजिक इंसाफ माने गरीब और अमीर के बीच में दूरियां ना रहे, उनके दरमियान की दूरियां मिटाने के लिए। और जो मजहबी दूरियां हैं, ऊंच नीच, आज पिछड़ा अगाड़ा, वो दूरियां मिटाने के लिए इंसाफ से निकाल के ये करना, ना इंसाफी निकालना है इसे। और उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस माने हर बंदा जो इस इंडिया में रहता, उसके कुछ राइट्स है, राइट टू वोट है, उसे वो कोई छीन नहीं सकता। राइट टू इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए राइट्स है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। एक छोटे से छोटा बंदा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते नॉमिनेट का, यह इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल कर सकता, उसे कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरा उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी माने आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? बोलने की आज़ादी जो हम में है। बहुत से ऐसे मुल्क है जहाँ पर बोलने पर भी रोक टोक है, जैसे कि कम्युनिज्म में चाइना में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्यूबा में फेडरल कम्युनिज्म गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, हिंदुस्तान में हम गवर्नमेंट अगर गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं बोल के बोल सकते, उधर नहीं बोल सकते। यही लिबर्टी हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और इसके साथ साथ इससे थोड़े हमारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो आइन के खिलाफ जाते हैं वो बात हम नहीं कर सकते। हमारे को लिबर्टी को कुछ भी बोल सकते हैं, बोल के हम आइन के खिलाफ नहीं बोल सकते, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमारे राइट्स भी देखे हैं। सो और उसके बाद नेक्स्ट इक्वालिटी, बराबरी। सो आइन आने से पहले हर तबके में हर कौम में इनइक्वालिटी थी, पिछड़ा अगड़ा आगे फॉरवर्ड, थोड़े लोगों में हिंदुओं में ज़्यादातर टेंपल्स में जाने का रिस्ट्रिक्शंस था, थोड़े पिछड़े वर्गों को उधर जाने का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, ये था उधर। वो पूरा निकालने के लिए ये इक्वालिटी हर समाज में हर सिटीजन को उसका रिलीजन के मुताबिक वो रह सकता और वो कर सकता कद बोल के इक्वालिटी देकर। फेटर्निटी। फेटर्निटी बोले तो भाईचारगी। हर बंदा हर सिटीजन दूसरे बंदे का फेटर्निटी भाई है, यानी फेटर्नल ब्रदर्स। हिंदुस्तान में रहने वाले हर सिटीजन्स
भाईचारगी से रहना है बोल के हमारा आईन हमको सिखाता है और यह हमारा मजहब भी है और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। जो जितने भी हमारे दीन में जो अच्छे बातें थे वो पूरे बातें इसमें हमारे आईने दस्तूरे हिंद में भी लेके हैं। दस्तूरे हिंद बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तकरीबन 15 या 16 मेंबर्स थे जिसके चेयरमैन अंबेडकर थे। उन लोगों ने 26 दिन लेके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जबकि यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का 8000 वर्ड्स का है, लफ्जों 8000 लफ्ज का है बस, हमारा 450 आर्टिकल से ज़्यादा है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बस 8 आर्टिकल्स में ख़त्म हो जाता है। क्या है उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्यों है? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूक नहीं देखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूक्स देखे हैं, जिम्मेदारी क्या है वो देखे हैं। ये पूरा तफसील से लिखने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इस वजह से इतना सारा वक्त लगा, इतना सारा बड़ा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सरकार है कैसा चलाना है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी क्या है, हुकूक आवाम की हुकूक क्या है, इसके बारे में सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, इसलिए इतना बड़ा हो गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रियम्बल है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, माने बुनियाद है, इसे कोई सरकार हिला नहीं सकती। अगर कोई कानून बना इसके बरखिलाफ तो उसे रद्द करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट्स को है और अल्टीमेटली सिटीजन्स को भी है। सिटीजन्स भी उसे रिवोल्ट करके कुछ हुकूक्स के साथ कोर्ट को अप्रोच होके सो मोटो नहीं लिया तो भी, अगर सो मोटो कोर्ट ले लिया ठीक है, नहीं कर बोले तो एज अ सिटीजन्स वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वही ये तंजीम भी कर रही है, अगर कोई कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ कोई कानून आ रहा है तो इसके खिलाफ पिटिशन डाल के कोर्ट में कर सकते हैं। अब हाल ही में NCR का इशू आके ये तंजीम भी आगे बढ़ के ये कर रहे थे रिट पिटिशन डालने के लिए, कुछ ये कर रहे थे, वैसे ही चल रहा है। ऐसे हुकूक्स पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है और अल्लाह करे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बरकरार रहे और हमको भी ऐसे जानकारी मिले और हम भी अल्लाह चाहे अल्लाह करे हमें भी इसे जारी करने का, तवज्जो करने का, इसके एहतराम करने का तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके ताल्लुक से बेहतरीन अंदाज में आप सबको उन्होंने सुनाया, आपको समझ में बात आई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक मुकद्दस किताब है हिंदुस्तान की, इट इज़ ए सेक्रेट बुक ऑफ इंडिया। इसकी हिफाजत करना जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कई बार हमला किया गया है मगर इसकी लड़ाई होते होते अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशियरी स्टफ बन रही और दे प्रूव दैट जुडिशियरी हैज़ सुप्रीम पावर, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी को एस्टाब्लिश किया गया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी तरीके से कोई भी हमला करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने के लिए आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल रहे हैं। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट हालांकि मुनासिब नहीं है मगर कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए कहना पड़ता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी जाके सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर आ रहा है, ये हिंदुस्तान की आइन के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए खतरे का बाइस है। तो आगे मैं इसको आगे बढ़ाते हुए जनाब माजिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज
योम दस्तूर हिंद मनाया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क़यादत में 7 रुकने आईने कमेटी साज ने मुत्तहिदा हुकूमत को सौंपा गया था। तो दरअसल हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने के बाद दस्तूर साज असम्बली तश्कील दी गई और उसने अपना काम 9 दिसंबर 1947 को शुरू कर दिया। दस्तूर साज असम्बली 2 साल 11 महीने 18 दिन में हिंदुस्तान में आईने को मुहूर्त किया और उसके सदर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान का आईन सुपुर्द कर दिया गया। आईन का नफाज 26 जनवरी 1950 में अमल में आया और आईन के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर हिंद के तौर पर मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी तो मेरे भाई जमाल भाई भी बता रहे थे कि और जनाब हबीब साहब भी बता रहे थे कि यौम आइन ये संविधान क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री और हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। हिंदी में हम इसको संविधान कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री और हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। हम इसको हाईएस्ट लैंड ऑफ द लैंड इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, ये ऐसा लॉ है जो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स बताता है और हम इसको फॉलो करना, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो या वायलेट या उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा मिलती है। तो दूसरा, टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं कि अगर हमने कोई लॉ बनाया है और हम चाहते हैं कि उस लॉ को हम चेंज करें या उसको मॉडिफाई करें तो हम कर सकते हैं अमेंडमेंट के ज़रिए। और हमें इसे रिजिड इसलिए कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी इस रूल से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हम इस रूल्स को चेंज किए, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी रूल्स को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है और इसके लिए आपको मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट यूके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी होती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन जनरली रिटन होता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ये ऐसी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी तो है मगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई पीपुल ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म बाई कैबिनेट ऑफ 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था तो नाम आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और बहुत से सारे कमिटीज थे, उनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सबसे पहले आया कैबिनेट मिशन 1946। इसने बनाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने आइडिया दिया एम.एन. राव ने दिया। तो मैं आर्टिकल 14 के ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के ताल्लुक से, तो रूल ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये तमाम केस लॉस ने हेल्प किया है आर्टिकल 14 को शेप करने को। तो हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। गवर्नमेंट और अवाम को कानून मालूम होना चाहिए और ये कानून सभी को मानना चाहिए बावजूद पोजीशन और स्टेटस के। हर एक को कानून और इनके राइट्स क्या है मालूम होना चाहिए। कानून समझने के लिए आसान होना चाहिए और ये तमाम को लागू होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना,
ये AEDC अपने बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किया था। तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से, चाहे आप हो या मैं, प्राइम मिनिस्टर हो या अटेंडर हो या क्लर्क या पीवन, हमसे कोई ऐसा एक्ट करता है तो जस्टिफाई लीगली नहीं है, तो लॉ पर हम सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है और हमको सिमिलैरिटी ट्रीट करता है। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर पर्सन सुप्रीम नहीं होती, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सुप्रीम होता है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सुप्रीम होता है, गवर्न गवर्नमेंट दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट होगा, यही है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। और ये हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है, ये हमको दो जगह में मिलता है। पहला प्रीएम्बल जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। इसके लिए हमको अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिट्स करना चाहिए, साथ ही साथ हमको ऐसे लॉस डिमांड्स करना चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके। तो आर्टिकल 14 हमको ये कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, और ये कहता है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करना चाहिए। तो पॉजिटिव अप्रोच, तो आर्टिकल 14 हमको ये कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और हमें इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 सब क्लास 1 और सब क्लास 2 है। तो आर्टिकल 14 सब क्लास 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ लॉ का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कानून सभी को एक होना चाहिए, एक हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। जैसे मैं बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई P1 हो, अटेंडर हो, तो सभी को ये खिला अप्लीकेबल होता। और इसका एग्जांपल लेडी जस्टिस आप देखे होंगे, ब्लाइंड लेडी फोल्डेड जो हैंड्स जो कोर्ट में जो आँख बंद करके खड़ी होती है, तो उसका क्या है, वो आँखों को पट्टी बांधे हुए। इसका मतलब ये है कि लॉ के सामने सभी एक हैं, सामने किसी जजमेंट सुनाते वक्त किसी इंसान का स्टेटस, पोजीशन या रैंक का कोई वेटेज नहीं होता। तो ये बात करते हैं, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या है, जो आर्टिकल 14 सब क्लास 2, ये जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लॉस का यूनिवर्सल अप्लीकेशन हो और हर इंसान पे हर लॉ एक जैसा लॉ हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक घर में दो लड़के हैं, जो एक लड़का 5वीं जमात पढ़ता है और दूसरा लड़का 10वीं जमात पढ़ता है, तो उसका खाने के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, तो जो 5 क्लास का बच्चा, जो छोटा बच्चा जितना खाता, तो बड़ा लड़का उतना नहीं खाता, वो ज़्यादा ही खाता है। तो ये इसमें क्या है बोले तो ये लॉस का यूनिवर्सल अप्लीकेशन है। तो और दूसरी बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में 4वीं क्लास के एक बच्चे को एग्ज़ाम बिठाएंगे और एक 10वीं क्लास के लड़के को बिठाएंगे, तो ऑटोमेटिकली 4वें बच्चे, 14वें में जो पढ़ता बच्चा, उसको क्वेश्चन वगैरह सीधी साधी देना चाहिए, जो और 10वीं जमात को जो देते हैं वो ज़्यादा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इक्वल 4वीं जमात को वही देना और 10वीं जमात के लड़कों को भी वही देना। तो इसी तरह इम्तिहान में सभी को पेपर नहीं, उसकी उम्र और क्लास के बिना पर पर्चे देते हैं। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 सब क्लास 1 एक नेगेटिव अप्रोच, ये बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और कानून के आगे सभी एक हैं, ये जेनरिक लॉ है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14 सब क्लास 2 स्पेसिफिक पॉजिटिव अप्रोच, हमको ऐसे लॉस बनाना चाहिए या डिमांड करना चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके। तो मैं इसके बाद एक आखिरी शेर अर्ज करता हूँ, आखिर में एक शेर डॉक्टर बाबा साहब के अंबेडकर के सुपुर्द करता हूँ। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, गीता कहता है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब अंबेडकर साहब संविधान, मेरे बाबा साहब संविधान कहता है कि इंसान बनो। तो यही हमारा संविधान है, दस्तूर हिंद है और कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कहते हैं मैं अपनी मख्तसरी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।
जनाब जमालुद्दीन साहब ने फरमाया, आप शायद सुने होंगे कि हमारे इस्लाम के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए हैं। ये हकीकत है। ये मुसलमानों के अंदर लड़कियों को वरासत का हक है, जबकि गैर कौमों में यह हक नहीं था। इसको देखकर बाद में क्या करे हुकूमत आई हुई हुकूमत ने सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंडमेंट करके लड़कियों को भी हुकूक दिए, तो इस्लाम की कॉपी कर रहे हैं। ये यकीन है कि आते आते चलती दुनिया क़यामत कब आने वाली है अल्लाह बेहतर जाने। हर एक को ये कुरान की तालीमात समझ में आएंगी और वो कुरान की को अमल में लाएंगे। तो इसके लिए हम सब की ज़रूरी है, हम सब का फ़र्ज बनता है कि हम जितना हो सके कुरान के तालीमात को फैलाने की कोशिश करें। इसमें पूरी इंसानियत की भलाई है, पूरी दुनिया की इंसानियत की भलाई है। इसके बाद मैं ये दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अबरार साहब को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह तालुक से आवाम को सुनाए। मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा APCR का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबको मौका दिया कि हम एक दूसरे को एजुकेट कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक दूसरे के जो मौक़फ़ है, मौजू है, उनके बारे में एक दूसरे को मालूमात हासिल दे कर सकें और मालूमात कर सकें। सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या हिंदुस्तान को दस्तूर कहते हैं, तो पहले हम ये समझें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि स्टेट यानी कि जो हमारी कंट्री है, हमारे गवर्नमेंट है और उसके इंस्ट्रूमेंटलिटीज़, जो बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट जिनके ज़रिए लोगों के ऊपर हुकूमत करती है, सरकारी अफसर हों या फिर सरकार के बनाए गए बोर्ड्स हों, कॉरपोरेशंस हों, जिनके ज़रिए एक हुकूमत अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती है, उसका और सिटीजन्स का दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, दोनों के दरमियान किस तरीके से एक दूसरे के ताल्लुक से ये काम करेंगे, उनका पूरा ब्यौरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम डेमोक्रेटिकली वोट के ज़रिए हुकूमत चुनते हैं और हुकूमत के पास चुने जाने के बाद ये इख्तियार आ जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर हुकूमत करे। किस तरीके से हुकूमत करेगी? हुकूमत कानून बना के हुकूमत करेगी। किसी से टैक्स लेना है, हुकूमत कहेगी कि आज से हम इनकम टैक्स लगा देंगे, आप जो कमाई करेंगे उसमें से मेरे को इतना पैसा दो। कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, हुकूमत कह देगी कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगेगी, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई रेजिडेंशियल घर नहीं बनेगा। एक कानून बना के हुकूमत आपकी ज़िंदगी, आप कैसे जिए, आप क्या करें क्या ना करें, ये इख्तियार चुने जाने के बाद हमारे चुने हुए नुमाइंदे के पास आ जाता है। अब जो इख्तियार आपने दे दिया 5 साल के लिए किसी हुकूमत को दे दिया, अब वो हुकूमत किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर हुकूमत करेगी, इसके चेक्स और बैलेंसेस क्या करेगी और क्या ना करेगी, इसका ब्यौरा कॉन्स्टिट्यूशन में है। और आज मैं बुनियादी हक, चाहे कोई हुकूमत हो, कोई भी स्टेट हो, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करेगी, इसके कुछ बुनियादी हुकूक Part 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर दर्ज है। जो लॉ बनाने का अख्तियार नुमाइंदों के पास आता है इलेक्ट हो जाने के बाद, उसके बाद हुकूमत इन बुनियादी हुकूक के खिलाफ जाके कोई भी कानून अपना नहीं बना सकती, स्टेट का कोई एक्शन भी
बने हुए लॉ के अंदर हो या बिना बने हुए लॉ के अंदर हो, वो इन बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उर्दू में हम बुनियादी हुकूक कहते हैं। ये बुनियादी हुकूक हमें बाहैसियत शहरी हिंदुस्तान में पैदा होने के दिन से लेकर हमारी लाशों को तदफीन होने तक हर इंसान को ये बुनियादी हुकूक मिले हुए हैं। इनका वायलेशन कोई स्टेट नहीं कर सकती। सो इन बुनियादी हुकूक के अंदर सबसे पहले हमारे माजिद सर ने आपको इससे पहले बता दिया है, आर्टिकल 14 है, जो शुरू हुआ था आर्टिकल 14 बराबरी का हक और हर किसी को बराबरी से प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब हम आर्टिकल 14 के तरफ से अपने सिटीजन्स को इस प्रिज्म से देखेंगे कि स्टेट हर सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करेगी और हर सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम किसी को क्लास वाइज एक एक को टुकड़ा टुकड़ा करके कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता। हम कानून बनाएंगे सिर्फ इन पर लागू होगा, दूसरों पर नहीं होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम जब कहते हैं, अगर कोई कानून बनेगा तो हर किसी के ऊपर उसका बराबर अमल होगा। सेक्टेरियन करके, टुकड़ों में बांट के, हाँ ये कानून बनाएंगे सिर्फ इन लोगों पर इसका अमल होगा और दूसरों पर इस पर इसका अमल नहीं होगा, इस तरीके के कोई कानून इंडिया के अंदर नहीं बन सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है सिटीजन्स को, ये हुकूमतों को कभी पसंद नहीं आता, चाहे किसी की भी हो। 1950 से आज तक अगर आप देखेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसने कई लॉज ऐसे बनाए हैं जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का हमेशा हमेशा उल्लंघन हुआ है। इसका खिलाफ वर्जी हमेशा हुई है। बेतहाशा कानून ऐसे हैं जिन्होंने, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, कई सारे हाई कोर्ट्स ने रद्द किया है, बेतहाशा कानून ऐसे हैं। तो इन कानूनों को रद्द करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? ये विजिलेंट सिटीजन्स का था। कानून बहुत अच्छा बन गया, दस्तूर हिंद बहुत अच्छा बन गया, अगर इसका, इसके लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा तो नुकसान सिटीजन्स का होगा। एक वॉच डॉग है जो गवर्नमेंट इसका हमेशा वायलेशन करेगी और सिटीजन्स को हमेशा चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको दिए गए राइट्स को वो हमेशा प्रोटेक्ट करें। अगर सिटीजन सोते रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता रहेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इसका नुकसान और खामियाजा भी सिटीजन्स को ही आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। मैं सोच के आया था कि मैं बिल्कुल आर्टिकल 19 और 21 के बारे में ज़्यादा बात बोलूँगा। जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बिलखसूस तीन आर्टिकल हैं, 14, 19 और 21। 14 बता दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, स्टेट अपने सब्जेक्ट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर वैसा कानून रद्द हो जाएगा। अब प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा, आर्टिकल 19 की शुरुआत यहाँ से हुई है कि जो राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे प्रोटेक्ट किया है। सो इसमें सबसे पहला आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमको कहने की और अपने इजहार ख्याल करने की आज़ादी।
कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जब हम फंडामेंटल राइट्स के बुनियादी हकूक के ताल्लुकात से बात करते हैं तो हमेशा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और सब्जेक्ट यानी कि सिटीजन्स इन दोनों के दरमियान का रिश्ता होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इन्फोर्स करना है, इसको अमल में लाना है, तो हमेशा स्टेट के खिलाफ सिटीजन्स इन्फोर्स करते हैं रिट्स के ज़रिए। हाई कोर्ट में पिटीशन जिसको लगाते हैं उसको रिट कहते हैं। उनके ज़रिए हमेशा स्टेट के खिलाफ तुम मेरा बुनियादी हक इस बिना पे यहाँ पे वायलेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम यानी कि स्टेट, मेरा यानी कि सिटीजन्स, इस बिना पे हमेशा स्टेट और सब्जेक्ट की लड़ाई होती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। अब जब हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी को बोलने से रोका जाए या अपना इजहार ख्याल करने से रोका जाए, ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ा राइट है हर शहरी को जो हिंदुस्तान में है, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये राइट देता है ना बल्कि सिटीजन्स को अपने राइट असर्ट करने के लिए। मेरे खिलाफ कोई नाइंसाफी हो रही है तो सिर्फ मैं बोलूं, कोई और ना बोले, ऐसा नहीं है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरे खिलाफ नाइंसाफी ना होती हो लेकिन किसी दूसरे के खिलाफ नाइंसाफी होती हो तो उसके लिए भी मैं आवाज़ उठा सकता हूं, अपना इजहार ख्याल में गवर्नमेंट के खिलाफ रख सकता हूं। ये आज़ादी हर सिटीज़न को है। कहीं पे कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और अपना इजहार ख्याल रखना, ये हर सिटीज़न का राइट है। इस राइट का हमने कितना आज तक अपने लिए इस्तेमाल किया है, कितना औरों के लिए इस्तेमाल किया है, ये हम सब शहरियों को सोचने की ज़रूरत है। इस बात को बिलखसूस एक फंडामेंटल राइट के तौर पे रखने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का क्या वजह रही होगी, इस बात को भी हमने सोचना है। वहां पे हो सकता था कि फॉर हिज इंडिविजुअल, सिर्फ अगर मेरे खिलाफ कोई जुल्म होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा और उनके खिलाफ होगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। इन दो लफ्ज़ों को बिलखसूस इसमें रखने की वजह क्या रही होगी, जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल के लगभग वक्त में बन रहा था, इतने बड़े बड़े दानिशमंद बैठे थे उसके अंदर। इस बात को सोचना है, समझना है। सबके ऊपर एक साथ लाठी चलाओ किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन नहीं है। अगर स्टेट के पास जब गवर्नेंस का पावर आता है तो हुकूमत का नशा माथे में हमेशा चढ़ जाता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस नशे के अंदर स्टेट हमेशा क्या करता है, सभी के ऊपर एक तरफा एक बार लागू होने वाले कोई कानून नहीं बनाता, हमेशा क्या करता है टुकड़ों में बांट कर पहले इसको ख़त्म करो, फिर इसको ख़त्म करो, फिर उसको ख़त्म करो, ताकि मेरी सत्ता हमेशा बाकी रहे। सो इस वजह से अगर हम कहीं पे चुप बैठे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना। अगर हम इस बात को सोच के खामोश रहें तो अगली बारी आप ही की आने वाली है। और दूसरा 19B के अंदर जो है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, 19A के आर्टिकल ने कह दिया कि आप हुकूमत के खिलाफ बोल सकते हो और अपना इजहार ख्याल रख सकते हो। दूसरा आर्टिकल उसके अंदर क्या आ गया, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हमारे बोलने से, हमारा इजहार ख्याल रखने से ये हुकूमत की मोटी चमड़ी पे असर नहीं पड़ रहा। इसके अगला स्टेप क्या हो, तो उन्होंने उसी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एहतजाज करके हम राय रख रहे हैं कि फला कानून जो तुमने बनाया ये हमें मंजूर नहीं, फला एक्शन तुम्हारा किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया तुमने, इसका ये हमें मंजूर नहीं, तुमने फला टैक्स एक का दुगुना कर दिया,
ये हमें मंजूर नहीं। और तीसरा आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। इंडिविजुअली आपने करके देख लिया, फिर भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा आया, आपने एहतजाज करके विदाउट आर्म्स, किसी असले के बगैर या फिर हथियार के बगैर आपने एहतजाज करके देख लिया, उसके बाद भी सरकार पे या फिर जिस गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ आप लोगों का एतराज़ है, उसके बाद भी इस गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रह रही। तो थर्ड उन्होंने ये दे दिया 19C के अंदर टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। उसी एक्शन के खिलाफ आपके फ्रीडम को बचाने के लिए, आपकी जो आज़ादी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है उसको बचाने के लिए आप एसोसिएशंस यूनियंस बनाएंगे और उसके उन यूनियंस के तहत आप अपना एहतजाज करेंगे, ताकि जो एक्शन है आपके हुकूक के बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, आप उसको अपना बचा के रख सकें। और आपने एसोसिएशन और यूनियन भी बना लिया। इसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था कि एक साथ किसी पे लाठी चलाना किसी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, केरला वालों के लिए कानून बना दिया, अब तुम केरला में एहतजाज करते रहो, दिल्ली तक तो तुम आ नहीं पाओगे। उसके आगे फिर और बढ़ा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हरियाणा का किसान आंदोलन करते, हरियाणा में करो, दिल्ली में नहीं आ सकते थे। पंजाब है, तुम वहां पे परेशान हो, तुम वहीं पे रहो, दिल्ली नहीं आ सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने आगे एक और दिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपने कुछ परेशानी है अपने हुकूक को बचाने के लिए, जहां तुम हो वहीं पे एहतजाज करते रहो, हम बाकियों को देख लेंगे। गवर्नमेंट इस तरीके से भी कोई अमल नहीं ला सकती, कोई कानून नहीं ला सकती, और आपको आज़ादी रहेगी कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम सको। और चौथा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये इन फ्रीडम को क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के अलावा की एक और बात है जो 19E के अंदर आ गई है। और 19G है टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ये भी आपके जो जो भी लोग क्या बोलते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो 19G के अंदर आपको मिला है। कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उन पर कोई कानून आर्बिट्ररी, इनइक्वल और सेलेक्टिव, किसी कौम के लोग अगर कोई बिजनेस में हैं उनके लिए अलग कानून, अलग मीटर बिजली की दर होंगी, दूसरों के लिए नहीं होगी। अगर कोई ऐसा कानून आता है तो वो भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाएगा। टैनरी बिजनेस वाले हैं, उनको टैनरी के लिए कह दिया गया आज से तुम यहाँ नहीं कहीं और पे बिजनेस करोगे। तो अगर लॉ अनफेयर है, बायस्ड है, आर्बिट्ररी है, तो वो भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19G के अंदर। इसके बाद का मेरा टॉपिक है 21, राइट टू लाइफ। Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. अगर हम इंसान के तौर पे जब पैदा हुए हैं, हमारी ज़िंदगी है, और हमने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए किसी को नुमाइंदा बना के भेजा है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे या फिर कोई पार्लियामेंट के तौर पे, वो बंदा हमारी ज़िंदगी हम कैसे जिए, इस पर हुकूमत करने का इख्तियार उसको आ गया। क्या हमने इस अपने पूरे उस हुकूमत करने के इख्तियार के अंदर हमने अपने जीने का हक उसको नहीं दिया? और जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हमारी जो आज़ादी है, उस आज़ादी के साथ छेड़छाड़ करने का या फिर अपनी जो खुद
पर्सनल खुद की आज़ादी है उसके साथ उसको मदाखलत करने का इजाज़त भी हमने अपने हुक्मरान को नहीं दिया। ये आर्टिकल 21 का मफहूम है। राइट टू लाइफ, मैं मेरे जीने का हक, इसका इतना वाइड इंटरप्रिटेशन हमारे कोर्ट्स ने किया है, चाहे आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है, ये एक्ट बाद में बना है 2005 में, या फिर इसको 21A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लिए 2010 में लाया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 80s में कह दिया कि 6 से 14 साल के बच्चे का बुनियादी हक होता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो हासिल करे, और स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उसको ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फराहम करे। ये राइट टू लाइफ है जो स्टेट को उसे देना ही है। ये 21 आर्टिकल का इतना वाइड इंटरप्रिटेशन है। साफ पीने का पानी, कोर्ट ने कहा अगर इंसान को तुम साफ पीने का पानी नहीं दोगे, म्यूनिसिपैलिटी हो या गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। झुग्गी झोपड़ियों में बिजली पहुंचाने का, अनऑथराइज कॉलोनी हो, झोपड़ियां हो, या फिर स्लम ड्वेलर्स हो, उन तक बिजली का स्टेट ने कहा हम नहीं दे सकते, अनऑथराइज कॉलोनी है, इनको रेगुलराइज माना जाएगा अगर ये कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचे, ये राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूडेड है, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते, तुम उनको दो। जो राशन है, हंगर के ताल्लुक से कोई मरे ना, स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने आज हाल फिलहाल में भी कहा है कि एक वेलफेयर स्टेट तुम्हें तब माना जाएगा तब जब तुम किसी को रात को भूखा नहीं सोने दोगे, और ये पार्ट राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूडेड है। इसके आगे बढ़ते हुए कई सारे, इवन एक डेड बॉडी का भी जो राइट है, इवन एक डेड बॉडी, लावारिश मुर्दा लाश कहीं पे भी अगर मिले तो उसके धर्म अगर पहचान में आ जाए, अगर पहचान में ना आए तो उसके क्या बोलते हैं एक डिसेंट बरियल का राइट पे, राइट टू लाइफ के अंदर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उसको देना है। अगर इसका वायलेशन होता है तो गवर्नमेंट उस जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन देती है। इस तरीके से बेहिसाब राइट्स, फ्री लीगल एड हो, कोई बंदा अरेस्टेड है वकील की फीस नहीं दे सकता, तो गवर्नमेंट को राइट टू लाइफ के अंदर को इंटरप्रेट करते हुए ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट उसके लिए कोई वकील रखे, उस वकील का खर्चा गवर्नमेंट दे। स्पीडी जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, हर तरीके से राइट टू लाइफ के अंदर एक इंसान को जो जीने का हक है वो गवर्नमेंट ना छीने, एक उसको सहूलियत कैसे दी जाए, वो जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो स्टेट फराहम करे उस इंडिविजुअल को, इस तरीके का इसको राइट टू लाइफ के अंदर कैप्शन किया गया है। जहाँ तक आती है पर्सनल लिबर्टी की, स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की अगर पर्सनल लिबर्टी कैसे छीनती है, अरेस्ट करते हुए, डिटेंशन करते हुए, गैर ज़रूरी मुकदमे लगाते हुए। आर्टिकल 21 का पहला हिस्सा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, कोई भी इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और दूसरा हिस्सा और हिज पर्सनल लिबर्टी, जो उसकी आज़ादी है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए अरेस्ट है, डिटेंशन है, गैर ज़रूरी मुकदमे हैं, इनको भी एक्सेप्ट विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड, कोई कानून के तहत ही स्टेट अपने सब्जेक्ट्स की पर्सनल लिबर्टी को कंट्रोल या कर्टेल कर सकती है।
इन चार बातों को कहते हुए मुझे आज ये बात कहने का मौका देने के लिए पीसीआर का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आपने फरमाया कि हालात ऐसे हैं कि अवाम को जागरूक रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए, तो उन्होंने मुतनब्बे फरमाया हर एक हिंदुस्तानी को, बिलखसूस ये कौम है ज़्यादा मुतनब्बे होना चाहिए। नुकसान जब होता है तो ज़्यादा हमारा होता है, ये हम देख रहे हैं। कानून कहता है कि लिबर्टी बिफोर लॉ, सब को भी एक है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। हुकूमत कहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब एक है, बराबरी है, मगर हुकूमत ऐसे कानून बना के फांस रही है। UAPA का कानून लाती है, सेडिशन केस लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को रहने के बावजूद भी हुकूमत कानून लाकर फांसा जा रहा है। तो इसलिए हम सबको इसके कानून क्या है समझना चाहिए और इसको किस तरीके से हम इसका तदारुक कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब अबरार साहब का, उनको और ज़्यादा वक्त देना चाहिए था, बहरहाल वक्त की तकाजे की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। अभी मैं जनाब ठीक है खाली साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग भाई और दोस्तों, मेरे बाकी के भाई सब समझा सके हैं, समझाने में कामयाब है समझता हूँ। फंडामेंटल राइट्स के बारे में और बाकी कुछ आर्टिकल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के हमें चंद हाईलाइट, यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो आईन कब बना क्या बना आपको सब मालूम हुआ है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 और 104 अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट होते ही आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों, इतने अमेंडमेंट आने की वजह क्या थी? हमारा मुल्क ऐसा देश है, कई राजाओं ने, कई बादशाहों ने, कई बाहर के मुल्कों ने उन पर हुकूमत की है। ब्रिटिशर्स जब हिंदुस्तान आए थे ये उम्मीद से आए थे कि ट्रेड यानी कि बिजनेस करें, यहाँ के हालात देखने के बाद, उनकी ताकत देखने के बाद, यहाँ के राजाओं ने, छोटे छोटे राजाओं ने, इन्होंने बोला कि हमारी इतनी ताकत नहीं, उन्होंने बोला कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम बचाएंगे, हमारे साथ आओ। जो भी राजाए थे, जो भी उनके ऊपर भरोसा किए थे, उनको फॉलो करना चालू करे, तो जब ये ब्रिटिशर्स उनके साथ धोखा किए, और दूसरे फ्रेंच जैसे गोवा में डच की पोर्चुगीज, आज भी वहाँ देखेंगे आप वो पोर्चुगीज ला है, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। गोवा में जो सिविल, जहाँ पे यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड है, वहाँ पोर्चुगीज सिविल कोड है, आज भी इस वक्त भी जाके देख सकते हैं आप। इस तरह से लोगों पे भरोसा निकल गया था कि कौन क्या करते, आज़ाद होने के बाद कोई भी हुकूमत आ सकती, कभी भी क्या भी कानून चेंज हो सकते, इसलिए हर बारीकी से लिखा गया, हर एक पॉइंट के ऊपर भी आर्टिकल लिखा गया, ये ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स रहे, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट ही क्यों कहा, फंडामेंटल क्यों कहा गया? भाई राइट्स बोल सकते थे, रिलीजन राइट, वो फलाने राइट, आज़ादी के स्पीच के राइट है, फंडामेंटल राइट ही क्यों कहा गया? फंडामेंटल राइट इसलिए कहा गया, कोई भी एक इंसान सोसाइटी में जीने के लिए उसे कुछ चंद हक चाहिए। वो क्या हक है? अगर सोसाइटी में उसको जीना है उसके डेवलपमेंट के लिए, और उसके जो शान से डिग्निफाइड लाइफ उसे गुजारने के लिए चंद फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है। उसमें जो हमारा आईन बना उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
right against exploitation, right to freedom of religion. यहाँ गौर करने की एक बात है, right to freedom होने के बावजूद भी right to freedom of religion, यानी फ्रीडम ये आज़ादी अलग, क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो, इसे स्पेशली माइनॉरिटी को दिमाग में रखते हुए ही बनाया गया है, क्योंकि मेजॉरिटी होगी, जो भी मुसलमान भाई थे पाकिस्तान चले गए, कोई बांग्लादेश चल गए, यहाँ जो माइनॉरिटी रहेगी उनके ऊपर जुल्म होगा, इसका सब ख्याल कौन करके बनाए, ये बहुत से मेरे ख्याल से कम लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में। और कल्चरल एजुकेशन राइट्स जो पांचवा राइट था, छठवां राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, इस राइट को डिलीट किया गया। केशवानंद भारती बोल के एक फेमस केरला केस था इंदिरा गांधी के दौर में, जब वो प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने से बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट में, 1978 में जो 44th अमेंडमेंट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अब राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसका मतलब यह है कि हर इंसान बराबरी से रहे, बराबरी से रहने बोलने से कैसा, समझो सदियों से जो एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उन पर जुल्म होता था, उनको कोई जुल्म नहीं करे, और माइनॉरिटीज थे वो जो चाहे अपने जाप कर सकें, जो चाहे अपना जहाँ भी रह सके, किधर भी रह सके, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना। इस वजह से राइट टू इक्वालिटी का हक फर्स्ट फंडामेंटल राइट में दिया गया। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में इंसान जो चाहे वो ले सके या कर सके, यानी जो कानूनी दायरे में है, समझो कि राइट टू फ्रीडम बोलने से आज़ादी से फिर सकता, कहीं भी बात कर सकता। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के हक को हम वायलेट कर सकें। अब समझो रात में मेरा हक है बोल के कौन की डीजे डाल के साउंड डाल के ये करा, दूसरों को डिस्टर्ब होता। राइट टू फ्रीडम का मायना ये भी है कि दूसरों का हक भी प्रोटेक्ट करना। ये जो फंडामेंटल राइट जो भी हैं, ये गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है, अगेंस्ट गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी हुकूमत आती है उसके खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो समझो बॉन्डेड लेबर रहते हैं, कोई उसे जुल्म से ले लेके जाना, पहले ऐसा भी होता था कि बाकी के कंट्रीज में लोगों को बेचा करते थे, एक्सप्लॉयटेशन ले जाना, चाइल्ड लेबर को आज भी है, बच्चों के कहीं ले जाते हैं काम करने वाले, थे पैसे दे के ले जाके कहीं काम को काम करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे माइनर रहते हैं, उनकी उम्र भी नहीं रहती, 14 साल से नीचे के रहते हैं, इसके लिए सब रोकने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी अपने रिलीजन या अपने मज़हब को फॉलो करता है वो आज़ादी से अपना मज़हब फॉलो कर सके। और राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर ये रिसेंटली आप लोगों ने सब सुना होगा, एक जल्लीकट्टू बोल के तमिलनाडु में एक बैलों के साथ एक गेम खेला जाता है, उसको बैन करना बोल के सुप्रीम कोर्ट ये एनिमल इसके राइट्स के खिलाफ है, इसको क्रुएल्टी होता है, इसको कुछ ऐसा नहीं करना बोल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, एक जजमेंट दिया था, उसके खिलाफ ये हमारा कल्चर है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, पूरा स्टेट बंद करके ये कल्चर को हमें फॉलो करते हैं बोल के जब ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट में बिल ला के उस कल्चर को फॉलो करने दिया था। ऐसे सब हक दिए गए। राइट टू एजुकेशनल राइट्स, अब समझो मदरसे हैं हमारे, खास करके माइनॉरिटी को रखो बनाया गया है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जो मदरसे हैं और जो भी जो चाहे जो उर्दू है एजुकेशन उसको पढ़ सकते, कोई ये नहीं बोल सकता कि एक ही इक्वल बोले तो सब हर लोग एक ही लैंग्वेज पढ़ो, अरे हिंदी ही रहना, वैसे दूसरे कंट्रीज में है एक ही लैंग्वेज, इसमें है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशन आप जो चाहें वो का एजुकेशन पढ़ सकते हैं, जो चाहे मीडियम में पढ़ सकते हैं,
उसके लिए कोई नहीं। और रहा खास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, छवां जो हक, बुनियादी हक दिया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो भी कानून के जानने वाले हो या हर कोई भी, इसको कानून का दिल या फंडामेंटल राइट का दिल और रूह कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी बोलने से, अगर कोई भी समझो ये पांचों हक दिए गए हमारे को, राइट टू फ्रीडम है कि हम स्ट्राइक कर रहे, स्ट्राइक कर रहे मेन लीडर से, उन लीडर को उठा लेके लेके चल गए, जब उसका मकसद ही हमारा फेल हो जाता है। और कोई आज़ादी है, तुम इधर नहीं करना उधर नहीं, इसके लिए क्या है, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, अगर कोई भी हमारे हक को छीनता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके ये हमारे हक को छीन रहे हैं, इनको से हमारे प्रोटेक्ट करिए बोल के अप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इसको कैसा अप्रोच होना है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ में अब कोई हमारे हक को छीन रहा है तो कहाँ जाके हम इसकी फरियाद कर, इसमें पांच तरह के रिट दिए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, तो एक ऑर्डर पास होता है, भाई तुम ये खिलाफ कर रहे हैं, किसी की जगह छीन ली, ये जगह छीनने का हक नहीं है तुमको, ये उनकी है, जो भी जो पास करते हैं, इसको रिट कहा जाता है। रिट पांच तरह के रिट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोररी, को वारंटो और प्रोविशन। जो भी हमारे हक होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, इसको प्रोटेक्ट करने का हक कोर्ट्स को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और फर्ज करो इनके अलावा और कौन हमारा प्रोटेक्शन कर सकता है, ये कोर्ट भी थोड़े, अब रिसेंटली आप देखे होंगे, चार जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे, कह रहे थे कि स्ट्राइक कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ऐसा हुकूमत हमारा ओवर राइड करना चाह रही है, इसके लिए आप आवाम कुछ करो, कुछ उठाओ। इसके लिए स्पेशली नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को बनाया गया, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया। अगर हमारे कोई हक छीनता है या हमारे को कोई गवर्नमेंट से तकलीफ होती है, तो ह्यूमन राइट कमीशन से हम वहाँ भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। समझो किसी की ताकत या हैसियत नहीं है कोर्ट तक जाने के लिए, तो आज ये एक लेटर को भी उसका रिस्पांस मिलेगा। ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका रिस्पांस ज़रूर देंगे। अब मानो फर्ज करो इतने पूरे सबको भी कोई भी हमारा राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आज के हालात वैसे ही हैं, ना कोर्ट प्रोटेक्शन कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, ना पॉलिटिशियन से पार्लियामेंटेरियन से कर सकते हैं, इस हालात में हम क्या करें, कहाँ जाएं? समझो हिंदुस्तान के पूरे जो भी सिस्टम है उसके पूरे दरवाजे बंद हो गए, तो जब हम क्या करना, सिर्फ एक ही रास्ता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जो दुनिया के सारे मुल्क मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर यहाँ से, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है स्विट्जरलैंड के, और इस बात इस वक्त खुशी की बात यह है कि एक हमारी मुस्लिम बहन उसके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, फिजी कंट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी यहाँ ह्यूमन राइट फेल हो गया, माइनॉरिटी कमीशन फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है, अब समझो मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को कोई गोश के नाम से मार रहे हैं, किसको चेहरा देख के उसको मार रहे हैं, वो लोग कोर्ट को जा रहे हैं, पेंडिंग हो रहा है मैटर, 5 साल 10 साल हुआ थी जो अंदर हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम फेल होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे मुल्क से हमारे कोई भी फायदा, यानी कि हमारा जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इस सिलसिले में हमें
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को बाकायदा एक लेटर डालने से भी इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर आएंगे। ये बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूमात कराना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो लेटर भेजे, लेटर भी नहीं जा पा रहा है, ईमेल है। आज के दौर में ईमेल भी सीखना बहुत ज़रूरी हो गया सबके लिए। ह्यूमन राइट और एक बात, हमारे जमाल भाई और माजिद भाई बोल रहे थे, ये आइन में जो इस्लामी पूरे बातें हैं ये कैसा है, कौन ले? खाली लोगों को यही मालूम है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी इसके चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन वाले से टीम के लीडर हैं, कैप्टन हैं, तो इसके मैन ऑफ द मैच कौन है? इस्लाम की बातें कौन ले? इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे असम के, यानी जो ब्रिटिश असम के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कमेटी के मेंबर थे, जो दीनी बातें कुरान के जो भी जो लाए हैं उनको जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों का नाम आगे आना नहीं देते थे। ये जो भी एक वो बेहतरीन एक लायर भी थे, एडवोकेट भी थे, पूरे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत से बड़े मुस्लिम होने के बावजूद भी उनको सेलेक्ट करके भेजा गया इस कमेटी में। पूरी जो भी आज उनका जो मैन ऑफ द मैच जो है, बहुत से लोग, दो लोग और दो लोग उसमें रिजाइन कर दिए, क्योंकि ये सब भी एक माइनॉरिटीज को पूरा बढ़ावा दे के बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बोल। इसलिए आज हम लोगों को क्या है, जो भी हमारे नौजवान हैं, ला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कराना उनको और ला पढ़ाने की कोशिश करना। ऐसे तो डिग्री हर बच्चे करते हैं, हर साल हज़ारों आ रहे हैं, जब ला पढ़ेंगे तो हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा होंगी, हर कहीं भी हो, बार में हो या कोर्ट में हो या फिर जुडिशरी में भी हो, कानून हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, हमें सही कानून दे सकेंगे। अब क्या हो गया, जात के नाम से सबको मालूम है, जो कौम है उन्हीं के कहा जा रहा है कि फेवर में हो रहा है। इसलिए मेरे हमारे भाइयों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को ला के बारे में जानकारी कराएं और ला पढ़वाने की कोशिश करें। गरीब लोग बहुत से हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं और उनकी उसके वजह से कॉलेज तक नहीं जा पा रहे हैं, उस वजह से। और हमारे सोसाइटी में भी हर एक मोहल्ले से एक दो तीन मस्जिद से एक ला ग्रेजुएट को बना के कोई भी मोहल्ले में है तो भेजने से बहुत फ़ायदा होगा हमारे कौम के, बोल के मेरा ख्याल है। और कुछ मेरे बोलने में कुछ गलती हुई तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के जो कौम को ज़रूरत है उसको सामने रखे, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात फरमाई। ऐसे ला ग्रेजुएट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। बेंगलोर के अंदर आप सब ने तखन इसमें न्यूज़ में देखे होंगे, एक साहब जो कारोबार करते हैं उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपये मुसलमानों को ला ग्रेजुएट बनाने के लिए डेडिकेट किए, नंबर एक है। दूसरा, हमारे APCR जो एसोसिएशन है इसमें हमारा भी एक मकसद ये है कि मुसलमान जो ला कर रहे हैं उनको ला कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने का भी हमारा एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है। इंशाल्लाह इसमें हमारा APCR भी काम कर रहा है। ऐसे हर मोहल्ले में ज़रूरी है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है ग्रेजुएशन, आजकल क्या है, ग्रेजुएशन दाखिला लेते हैं उनको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, BBM करना, BCA करना, वो करने के बाद उसे नौकरी मिलती 10,000 की। लोगों समझाओ रे भाई, तो एक 5 साल मेहनत करको ला ग्रेजुएट बनना, तो खाली काला कोट पहन ले गया तो बस तुम आसानी के साथ रोज़ाना 1-2 हज़ार रुपये कमा ले सकता है। मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काला कोट पहनने से पैसे आएंगे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं करते कोई नहीं होगा। प्रोफेशन क्या है, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशन, ये तीन ऐसे हैं जिसमें रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। जब तक नहीं पढ़ता उन्हें जाके कोर्ट में खड़ नहीं सकता, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, टीचर स्कूल में जाके सबक नहीं पढ़ा सकता। तो ये ज़रूरी है। जो बहुत शुक्रिया, आपने एक बेहतरीन एक सुझाव पेश किया। इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे दादा पीर साहब को, वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पावर्स बयान करेंगे। आप मुख्तसर से बयान करें बराए मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
मोहतरम मोहतरम हजरात जो डयास पर हैं और मेरे दिगर भाई जो मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यौम दस्तूर या यौम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जुड़े हैं, उसी के ताल्लुक से मुख्तलिफ हमारे भाई जो है हमारे सामने बात किए हैं। मैं मेरे उनवान पर जाने से पहले एक दो बातें पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो दस्तूर है क़ानून की रोशनी में रहने सहने की आज़ादी, हुकूक़, ज़िम्मेदारियाँ, सहूलतें, दुश्वारियाँ, रुकावटें और उसका हल, इसका निचोड़ जो है दस्तूर है। ये दस्तूर जो है दो किस्म का है, एक है दस्तूर खालिक व मालिक का बनाया हुआ, एक दस्तूर है इंसानों का बनाया हुआ। इससे पहले भी जिक्र आया है इसके ताल्लुक से, जब से इंसान बना है हमारे खालिक व मालिक जो है दस्तूर भी जो है लागू कर दिए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है पैदा किया गया तो वहाँ भी जो है उनको चलने फिरने की आज़ादी के साथ साथ, रहने सहने की आज़ादी के साथ साथ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे बातें समझाया गया। ये भी छोटा सा एक दस्तूर ही था ज़रूरत के अतबार से। उसके बाद से जो है जैसा जैसा जो है ज़माना गुजरता गया, पैगंबरों के ज़रिए से जो है ये दस्तूर जो है लागू होता गया अल्लाह की तरफ से, खालिक व मालिक की तरफ से। तो ये दस्तूर जो है अब किताबों के सहीफ़े के शक्ल में भी आया और फिर जो है किताबों की शक्ल में भी आया, आखिर में जो है मुकम्मल जो है किताब की शक्ल में शरीयत के नाम से जो है लागू हुआ है। अब आप और हम सब जो है उस पर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दस्तूर है हमारा जो इंसानों का बनाया हुआ दस्तूर, मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, इसमें जो है ये तो जो है एक हाथी के मानंद है। मैं ये पूछा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता हूँ, बोले तो हमारे हाजी हबीबुल्लाह साहब बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक हत्ती है, हत्ती को जो है कब तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। हत्ती के जो है आज़ा हैं उसके बारे में बोलो, कान के बारे में बोलो घंटे घंटे बोल सकते हैं, हाँ पैर के बारे में बोलो, दुम के बारे में बोलो, सर के बारे में बोलो। इस तरीके से जो है मुख्तलिफ हमारे भाई भी जो है ना उनवानत जो है सेलेक्ट कर जो है हमारे सामने बात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में समझाया गया है, हम सबको जो है ज़रूरी है ये बातों को जो समझना। तो मैं जो है उनवान लिया हूँ ये आर्टिकल 123, ये हमारे जो सदर हिंद हैं उनके जो है हुकूक के उनके जो है पावर्स के ताल्लुक से। ऐसे तो वो जो सुप्रीम कमांडर हैं काफ़ी पावर्स हैं उनके, वही आल इन आल हैं, वही हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, उनके जो है दस्तखत के बगैर कोई जो है काड़ी तक नहीं हलती हैं। इसके साथ साथ जो है एक जो मैं छोटा सा अनुमान लिया हूँ 123 आर्टिकल 123 ये जो है ऑर्डिनेंस के बारे में है। एक देखिए कानून बनता है, कानून बनता है, कानून लागू होता है। कानून बनने के रास्ते जो है दो हैं, वैसे जो है कोर्ट के जजमेंट्स भी कभी कभी कानून बन जाते हैं वो बात है, लेकिन मेन जो है दो रास्ते हैं। एक है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तरीके से लॉ बनता है, जब पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है और रिसेस में है पार्लियामेंट और एक्सीजेंसीज है, ज़रूरत है कोई जो है कानून लागू करने की, कोई लॉ बनाने की, तो ऑर्डिनेंस के जो है ज़रिए से जो है वो उसके जो है लागू किया जाता है। तो ये भी जो है प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ये भी अपने जो है मर्ज़ी से नहीं कर सकते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ से जो है जो भी ला जो है आता है वो एजाद होता है यहीं से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एजाद होता है हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, और होने के बाद जो है वो पार्लियामेंट जो है हमारा बाइकैमरल है, पूरा सेंटर का भी बाइकैमरल है, हमारे स्टेट की भी बाइकैमरल है। पार्लियामेंट में जो है लोकसभा है जो लोअर हाउस कहलाता है, उसके बाद जो है राज्यसभा है जो अपर हाउस कहलाता है। अब इसे जो है हमारे स्टेट्स में भी जो है ना ये भी जो है बाइकैमरल है, जो एक है लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लोअर हाउस कहलाता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो जो है अपर हाउस कहलाता है। तो जो है ला यहाँ से जो है स्टार्ट होता है लोअर हाउस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो जब जो है पार्लियामेंट नहीं है या असेंबली नहीं है तो जो है ना ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए से लागू किया जाता है। अब वो यहाँ ये इसके डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है
प्रेसिडेंट के बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही उन्होंने जो है ना ऑर्डिनेंस को, वो भी अगर उसके हित में है तो, ये कंट्री के हित में है तो सोच समझ कर जो है उसे दस्तखत करना, वरना जो है ऑर्डिनेंस भी वापस हो जाता है। कई बार हुआ है पिछले जो है ज़माने में, पिछले जो है प्रेसिडेंट्स के पीरियड में, अब जो वैसा नहीं है। अब क्या बोलना, अब खुलकर बोलने की बात नहीं है, सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है क्या भाई, कोई सा भी जो है महकमा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं जा रहा, वल्लाह आलम एक आध दो होते होंगे, वो तो सब जानते हैं, खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात है। तो अब जो है ऑर्डिनेंस भी मिसयूज़ होने लगा है, अब इससे जो इसके लिए क्या कहलाता है, ये जो है ये ला जो है ना फिचे दरवाजे से लागू करने का तरीका बन गया ऑर्डिनेंस। पहले जो है पार्लियामेंट्री तरीके से जो है ना ला जो है यहाँ पर ड्राफ्ट बनता है, बिल की शक्ल में होता है वो, उसके बाद जो है लोकसभा में लोअर हाउस में जो है पेश किया जाता है, वहाँ पर डिबेट होकर डिस्कशन होकर वहाँ 2/3 मेजॉरिटी पे जो है पास होकर वो ओके हो गया तो वो राज्यसभा में जाता है, नहीं यहीं अटक लिया तो जो है यहीं राउंड मारते रहता वो, अभी ना उसे मनवाए इसे मनवाए इसे मनवाए उसे मनवाए, बहरहाल कैसे ही करको उसे करको राज्यसभा में ढकल देते हैं। जब राज्यसभा में भी जो है जाकर जो है ना ये बिल अगर जो है मेजॉरिटी है या जो है अपोजिशन वाले भी अगर हित में ये ठीक है बोल के अगर समझे तो जो है 2/3 मेजॉरिटी में उसे भी जो है ओके कर देते हैं, जब जो है उसके बाद जो है फाइनल जो अथॉरिटी है वो जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने पर वो जो बिल जाकर एक्ट बन जाता है। पहले बिल होता हो जैसा CAA हुआ, हम सब जो है उसके ताल्लुक से जो है प्रोटेस्ट करे, सब पूरे आवाम प्रोटेस्ट करी, पहले CAB था वो, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, हालांकि सिटीज़नशिप एक्ट पहले से है 1955 से, वो तो जो सबके हित में था वो, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत उसे जो है तोड़ मोड़ कर जो है उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है बिल करके उसे अमेंडमेंट कर उसे जो है लागू करी थी। अब वो बिल जो है यहाँ पास हुआ, गलत की सलत की वहाँ भी पास हुआ, और जो है रात या रात जाकर जो है प्रेसिडेंट के पास जो है साइन ले कर उसे लागू कर दिए, वो हो गया वो है नहीं, वो एक्ट हो गया, वो बिल जाकर CAB जाकर CAA हो गया वो। इस तरीके से जो है ये एक तरीका है लागू करने का। जब पार्लियामेंट नहीं है या असेंबली स्टेट में नहीं है, सेशन में नहीं है, लेकिन एक्सीजेंसी ऐसे हैं, ज़रूरियात ऐसे हैं कि वो लागू करना है लागू, तो उसके वास्ते जो है ना ये जो है प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 के तहत जो है ना ये पावर्स दिया गया है कि जो है ना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिकमेंड करके उसे जो है फौरन जो है प्रेसिडेंट पास भेज सकते हैं और उसके साइन करा के जो है उसे लागू कर सकते हैं। और वो जो है टेम्पररी ला 6 महीने तक का उसका टाइम है, जब 6 महीने के अंदर जो है ना पार्लियामेंट फिर चालू हो गया, सेशन चालू हुआ, तो जो फौरन उसे पार्लियामेंट में रखना, पार्लियामेंट में जो है ना वो 6 हफ्ते उसका टाइम रहता, 6 हफ्ते में उन्होंने डिस्कस कर ओके कर दिए ठीक है, नहीं ये हित में नहीं है बोल को उसे रिजेक्ट कर दिए तो वो डिसअप्रूव हो जाता है, या अगर 6 हफ्ते नहीं करे वो तो भी जो है वो फेल हो जाता है। इस तरीके से ये है। और ये जो ऑर्डिनेंस है पार्लियामेंट ये फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकता, ये ऑर्डिनेंस जितने भी जैसा फंडामेंटल राइट्स के ताल्लुक से अभी हमारे सामने बात आई, हमारे भाइयों ने जो कहा है फंडामेंटल राइट्स के ताल्लुक से जो है मुदाखिलत ऑर्डिनेंस नहीं कर सकता, उसके वास्ते उसे पावर्स नहीं है। हाँ, और दूसरा जो है अब कभी कभी जो है ना हित में नहीं रहता वो, कंट्री के जो है फलाह बहबूदी में नहीं रहता वो, उस वक्त प्रेसिडेंट भी जो है उसे सोच समझ कर रिजेक्ट कर सकता, वापस भेज सकता, आया है गया है ऐसा कई बार हुआ है पिछले मरतबा, आप सब हजरात बेहतर जानते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, अब ये 1978 से पहले वही पीरियड में करीब पीरियड में बिहार में ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ये स्टेट का जो है ऑर्डिनेंस कौन गवर्नर के पास जाता, सेंटर का ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट के पास जाता, स्टेट का ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर के पास जाता, बिहार में जो है ना ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस, अब हमारा चलता है बोलकर खूब चला लिए। अब उस वक्त जो है ना हुशार होकर उस वक्त की जो है सेंट्रल हुकूमत क्या की, 44th अमेंडमेंट, ये 1978 में दिसंबर 1978 में
44th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट कर कर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये जुडिशियल रिव्यू के वास्ते जो है ना ये इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जब से जो है ना ये ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट भी आइदर ऑन रिट और ऑन सोमोटो बाई सोमोटो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसे रिव्यू कर सकती है। अगर ये जो है हित में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो है नल एंड वॉइड भी कर सकती है। ये जो पावर 44 अमेंडमेंट में 1977 दिसंबर 1978 को ये जो है ये इनकॉर्पोरेट किया गया और प्रेसिडेंट का असेंट जो है सिग्नेचर जो है ये 44th अमेंडमेंट को अप्रैल नेक्स्ट ईयर 1979 अप्रैल में इसका जो हुआ है जब से ये भी जो है अमल में आया है। ये जो है चंद बातें हैं प्रेसिडेंट के और इस तरीके से है कानून लाने का। अब तो जो है ये मिसयूज़ हो रहा है ऑर्डिनेंस कोई भी हित में रहो नहीं हो अब अपने जो है जो मर्जी चलना है बस चला ले रही सब वोच हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब भी वोच हैं हुकूमत भी वोच है सब वोच है बोलने खुलकर बोलने की बात नहीं है इस तरीके से हो रहा है। ये जो है प्रेसिडेंट के पावर्स हैं ऐसे तो प्रेसिडेंट के पावर्स तो बहुत हैं ये सुप्रीम कमांडर है पूरे जो है आर्मी के जो है ये सबसे बड़े हैं हेड ऑफ द स्टेट हैं ये सब कुछ है। ये आर्टिकल 123 में ये पावर्स जो है इनको दिया गया है। बस ये चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज कर कर मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आपके जज़ाकल्ला। मैं भी खाजी मोहम्मद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी एक 6-7 मिनट के अंदर आप कभी बात को ख़त्म करें। ऑल प्रेज़ टू अल्लाह एंड पीस एंड ब्लेसिंग्स एंड सैल्यूटेशन ऑन प्रॉफिट मोहम्मद द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर। सामने मोहतरम और स्टेज पे तशरीफ फरमा मौजिज़ान शहर और बल्हारी के मशहूर और मारूफ एडवोकेट्स हजरात। मैं आखिर में मेरी बात है सबसे आखिर में करने के दो एक फ़ायदा एक नुकसान है। एक फ़ायदा ये है जो जो आपसे पहले बोले उनका ही कुछ निचोड़ निकाल कर आप बोल दें फ़ायदा है आपके लिए आप कोई नई बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब लोग बड़े बड़े हजरात बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आज का प्रोग्राम था। मैं बहुत ज़्यादा आज के प्रोग्राम से बहुत ही ज़्यादा दिल से मैं मुतमईन रहा एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। तो आज मैं ये समझ रहा था कि मैं एक एज ए लॉ स्टूडेंट भी हूँ तो आज मेरी क्लास चल रही है ठीक है आज मेरी क्लास चल रही है बहुत अच्छा है। एक फ़ायदा है लास्ट में बोलने का और एक नुकसान ये है कि आप ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि सब लोग भड़ेंगे देखेंगे। नहीं नहीं मैं बात करके खत्म करूँगा अभी दादा ने ठीक है ठीक है। खैर देखें कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं पहली वजह और इंशाल्लाह उसकी हिफाजत भी हमें कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह उस बात पर कुछ दो तीन मेरी राय है वो मैं पेश करूँगा आपके सामने अर्ज करूँगा। कोई भी मुल्क कुफ्र से यानी एक रिलीजन है दूसरी तमाम अलग अलग मजाहिब हैं अलग अलग मजाहिब के साथ एक मुल्क का निज़ाम चल सकता है वो मुल्क की तरक्की हो सकती है लेकिन मुल्क का निज़ाम जुल्म के साथ नहीं चल सकता। जिस मुल्क में जुल्म है उस मुल्क में तरक्की हरगिज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क कुफ्र के साथ भी चल सकता है निज़ाम लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता। इसी जुल्म के कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाते हैं लॉ बनाया जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है हजरत अली फरमाते हैं कि मुल्क का निज़ाम कुफ्र से तो चल सकता है अल मुल्क यजरी बिल कुफ्री ला बिल जुल्मी मुल्क का निज़ाम कुफ्र के साथ तो चल सकता है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता ठीक है। और सबसे पहले कानून मुल्क के तरक्की के लिए जो बना है वो सबसे पहला कानून रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीसाक मदीना मदीना में हुआ। जस्ट आपको इतला करने के लिए आप लोगों को मालूम है ठीक है बस मुझे बोलना है इसलिए कुछ बोल रहा हूँ ठीक है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीसाक मदीना है तो उसमें तकरीबन 14 आर्टिकल्स है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में 14 आर्टिकल्स है। खैर, अब हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना, ये भी जुल्म से बचाने के लिए, ताकि मुल्क की तरक्की के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है और हम उसको मानते भी हैं। देखिए, इस मुल्क को अगर तरक्की होना है तो याद रखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत भी होना ज़रूरी है। मुझसे पहले पेशतर बहुत सारे लोग बोले, कई कई आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे लोग, हर सवाल का जवाब नहीं होता, याद रखें। मौलाना महमूद मदनी से बाज़ाब्ता न्यूज़ चैनल ने एक सवाल किया था, आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान को बहुत ही इज्जत अजमत हम सर आंखों पर रखते हैं, पढ़ेंगे कभी नहीं, उसको समझेंगे कभी नहीं, लेकिन सरों पर हम रखेंगे, ठीक है, ये हमारा है, पढ़ना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो हम मुसलमान ऐसे थे, मुसलमान हम कुरान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमारे दिलों में है कुरान। आपसे एक सवाल किया गया, आप कुरान को प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रेफरेंस देंगे, आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो उन्होंने, देखिए अल्लाह ताला फिरासत देता है उलमा को, ठीक है, आप किसको अहमियत देंगे, आपके आपके आगे सबसे पहले कुरान होगा या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आप प्रेफरेंस किसको देंगे? तो उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया, मैं आपसे आपके गुजार करूंगा। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि क्वेश्चन करने वाले से पूछा, मैं अगर तुम्हारी आंख फोड़ूं तो सीधी आंख पहले फोड़ूं या ढाई आंख पहले फोड़ूं? कहा क्या, क्यों भाई, मैं तो, मुझे तो दोनों आंखें पसंद है, यही मेरा जवाब है, यही मेरा जवाब है, मुझे दोनों आंखें पसंद है। तो इस तरह, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे हमारे इससे पहले अबरार साहब भी बोले, हमारे एडवोकेट अबरार साहब और हमारे एडवोकेट खालिद साहब ने कहा कि हमारी कौम सो रही है। देखिए, सोने वाले जाग सकते हैं, कौन कह रहा है हमें कौम सो रही है? मैं नहीं मानता कौम सो रही है, मैं नहीं मानता कौम सो रही है, सोने की एक्टिंग कर रही है। सोने वाला अगर जगा तो उठ जाता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले को ज्यादातर जगह आप नहीं उठती हो। ये हमारी कौम है, सोने की एक्टिंग कर रही है। एनआरसी है, जिसको पढ़ा है उन्हें कर लेना, बाकी सब कम घर में। सीए अमेंडमेंट एक्ट क्या है, क्या है कुछ भी नहीं मालूम। आज इतनी बेहतरीन, आज मैं हमारे एपीसीआर टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरी कुछ आखिर में तो एक दो दिन ये भी है, मशवरे भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन मशवरों पर है ना कुछ आप लोग भी राय करके उसको है ना रूबा अमल लाएं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम जो मस्जिदें बना रहे हैं या फिर इस हिंदुस्तान में मनादिर हैं या टेम्पल्स वगैरह है या चर्चेस हैं, और हम कुरान की तालीम दे रहे हैं, दरस कुरान चल रहा है, दरस हदीस चल रहा है, जुमा में खिताबात चल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट्स देता है कि हमारी मजहब की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, आपके फ्रीडम, आपके जज्बात का एहसास, आप बोल सकते हैं, आपके मजहब की तशहीर व इशात आप कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। अलगर्ज आखिरी बात, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये लॉ की जरूरत क्या थी, मैं कुछ बातें अर्ज किया, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके? देखिए, मैंने कुछ मेरे दो तीन मशवरे हैं, ठीक है, आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज़्यादा पुरदबार हैं, ठीक है, बस एक दो तीन नाफिस मशवरे हैं। पहली बात, लोगों के अंदर ये बेदारी लाना हमें ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन हिंद की जरूरत, अहमियत कितनी है, इसकी अहमियत क्या है, ये हमें बताना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी, देखिए मुझसे पहले अबरार साहब ने भी कहा, दोगरा एडवोकेट ने कहा कि कानून ऐसे ला रही कि जो हमारे आईने हिंद के खिलाफ, ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉस बना रही है हुकूमत जो हमारे, तो उसके लिए करें क्या? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनाते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ और उसका ये करते हैं, आप जो चाहते बनाइए, कोई इसमें ये नहीं, ठीक है, आप जिंदगी गुजारना है,
आपके बच्चे आपको देखना अच्छी बात है, लेकिन आपके खानदान में एक बच्चे को तो लायक जरूर बनाए, एक बच्चे को तो लायक जरूर बनाए। जब तक हमारा लॉयर नहीं होगा, जब तक हमारे पास हमारे घरों में अगर लॉ समझने वाले, क्योंकि हमें और आपको कितनी परेशानी की आ लॉ पढ़ना भी, मुझे भी लॉ पढ़ने की है ना जज्बा, जबकि मैंने दो दो एमए अरबिक एमए इंग्लिश कर चुका था, लॉ पढ़ने का जज्बा मुझे एनआरसी के बाद आया। तो ये जरूरी चीज है, ये हम अपने बच्चों को, अपने खानदान के एक बच्चों को लॉ जरूर पढ़ा। ये दूसरा मशवरा मेरा। तीसरा, हम लोग सियासत को गंदी समझकर तोड़ना चाहते हैं। अभी नाला, अगर आपके घर के बाहर नाला गंदा ही होता है, जब तक आप उसको, आपके घर में बाथरूम आपका गंदा ही होता है, आप उसको साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक दूसरों पर यह करेंगे? खुदा ना खास्ता कोई साफ करने वाला नहीं मिला तो आप नहीं करेंगे आपके बाथरूम को साफ? तो आप, अगर हम मानते हैं ऐसा कि सियासत एक गंदी चीज है और उस गंदगी से हम दूर भाग रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि जो कानून जो बनाते हैं, जैसे कि हमारे दादा भी साहब एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि कानून असेंबली से बनते हैं, पार्लियामेंट से भी बना जाता है। ठीक, वहां पार्लियामेंट तक कौन पहुंचता है? जब तक कि हमारे लोग या हम कोई सेक्युलर बंदे को पार्लियामेंट में ना भेजे, तब तक अच्छा कानून बनने की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसे हजारों लोग से कर ले। तो अपने बच्चों को सियासत में, पॉलिटिकल में आप उसको भेजें, ठीक है, गंदगी है गंदगी, उसको पीछे मत हटे, आप उसमें भेजें, और या फिर आप अपने बच्चों में, या फिर कोई ऐसे बंदे को चुने जो वाकई सेकुलर है, जो वाकई सेकुलर दिमाग का है, तो उसको आप वहां तक पहुंचाएं, ताकि हम जो पार्लियामेंट में अच्छी उम्मीद कर सके कि वहां से कोई अच्छे कानून निकले और हमारे जो बुनियादी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जी या उसके खिलाफ कोई बिल पास हो। बस यही मेरी गुजारिशात है। और एक आखिरी राय ये भी है मेरी, हर मस्जिद, ठीक है, चेयरमैन साहब खत्म कर रहा हूं, ठीक है, हर मस्जिद में प्रियम्बल को बाजाबता एक अच्छा डिजिटलाइज करके प्रियम्बल को मस्जिद में लगा दें, मस्जिद में लेके, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आईने हिंद है, उसका उर्दू तर्जुमा हर मस्जिद तक पहुंचाए। ऐसा करें तो यही मेरी कुछ राय है। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इस जो महफिल को सजाए हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह उसको कामयाब अता फरमाए और हमको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपको हाजी साहब होते हुए लाभ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप माशाल्लाह प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे मगर कानून का जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पहले हमारे मुख्यमंत्री ने फरमाया कि क्या है, नॉलेज इज पावर। किसी को मालूम होते हैं तो उस पर एक हिम्मत होती है कि मेरे पास कुछ ताकत है, तो जो भी इल्म का एक जानकारी रखना एक ताकत है। मैं जनाब हुसैन पीरान साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बात करें। मुबारकबाद देता हूँ पीसीआर का तंजीम का, जो ये प्लेटफॉर्म आज अच्छे मौके पर अच्छी तरह से कामयाबी की तरफ से अच्छे काम से तरफ जा रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ सब मेंबर्स को और एडवोकेट्स को, जो ये तंजीम को लेकर आप कामयाब की तरफ मोड़िए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है तंजीम। और जहाँ तक खालिद साहब और जमालुद्दीन साहब, माजी साहब अपने अपने अंदाज में आर्टिकल 14-19 के बारे में और 20-21 के बारे में और एक पॉइंट वफादार फिर साहब 123 के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से आर्टिकल के बारे में जो कुछ भी कहा गया, इंशाल्लाह जैसे खालिद साहब के बोले, हर मस्जिद में उर्दू के
के लगा दिए तो भी सबको भी पता चलता और ये गुंजाइश थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से आज कोई मुतलिया जो मस्जिद के उनको भी सुनाएगा तो बहुत अच्छा था, हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है। एक बार कोर्ट में इतवा करना था तुम्हें, मैं खास करके उनको फोन करके बुला लेता दूसरी बार इंशाल्लाह, अगर हुआ था तो इंशाल्लाह अभी बेहतरीन से प्रोग्राम बन जाता। और खालिद साहब का एक मुझे पसंद आया, हर मोहल्ले में हर मस्जिद की तरफ से एक एलएलबी पढ़ने के लिए एक ऐसा आदमी को चुने जो पढ़ के आखिर हमारे कौम के वास्ते काम आए। अभी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे बल्लारी के अंदर जो मस्जिदें हैं आबाद हैं अच्छे हालात में हैं, जो हमारे वक्फ की तरफ से 30% एजुकेशन के वास्ते भी दे सकते हैं, गरीबों को मदद भी कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, ऐसे चीज़ें हैं वक्फ के अंदर। एक इंस्टीट्यूशन के वास्ते, एक इंस्टीट्यूशन एक आदमी को पढ़ाने के वास्ते क्या भी इतराज़ नहीं है, वो पढ़ा सकते हैं। वो सामने आकर इंस्टीट्यूशन वाले के पास आप ऐसा पढ़ रहे हैं, गरीबी हालात है, फीस बनने की ताकत नहीं है उन पर, तो ऐसे लोगों को आप दरख्वास्त के एक लेटर ले लो चले गए तो, या वो बोर्ड भी आपके स्वास्थ्य मदद कर सकती है इंशाल्लाह। और ज़्यादा कुछ बोलने का मेरे ये नहीं है, खास करके सब हमारे यूनुस साहब भी शुक्रिया अदा करता हूँ, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में अच्छे से अच्छा बातें सुनकर तमाम लोगों को मालूम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसा हम आगे बढ़ना है आगे चल, तो शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब का, जमालुद्दीन साहब का, अब्राहम साहब का, हमारे जितने भी हम ख्याल के हैं बड़े लोग आए हैं, अब हर तरीके से रिटायरमेंट में हो हुआ ये काम का अंजाम दे रहे हैं PSR को DPCR के, आपसे दरख्वास्त करता हूँ। और खालिद साहब क्या ये हमारे एडवोकेट से गुजारिश करता हूँ कि आगे वक्फ इंस्टीट्यूशंस हमारे हाथ से, हमारे हाथ से ज़मीन हाथ से निकल जाए, बहुत से ज़मीन हाथ से निकल जाए जा रहे हैं, जितना गजट नोटिफिकेशन है उतने हमारे पास ज़मीन नहीं है। खास करके आप तो चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, एक टीम ऐसी बनाई है इंशाल्लाह आपकी टीम के वजह से कहीं ना कहीं हमने एक वक्त दीजिए उसे बचाने के वास्ते। बहुत परेशान में है, आने का वक्त बहुत परेशानी में है, ज़मीन हमारे हाथ में नहीं मिल रही है, बहुत से गंवा चुके हैं आज तक, हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट के थे 50% तक हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास 50% निकल गए हैं हाथ से, उसे कैसा हासिल करना क्या करना आपके ज़रिए हो या हमारे एडवोकेट के ज़रिए हो, आप भी सलाह दे सकते हैं हमें आगे चल के, हमारे फॉर्म के वास्ते कुछ बचने वाला नहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, फिक्र है बस, दर्द है फिक्र है, लेकिन साथ देने वाले कौन नहीं, चल रहे हैं बस अपने अपने ख्याल से अपने हिस्से चले रहे हैं चले जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ APCR से तंजीम से कि आप आगे बढ़कर सामने आइए, इंशाल्लाह इसका काम को अंजाम देंगे अच्छा रहेगा। दो बातें करके मैं जो आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के वास्ते। Now, up to now you have heard about what is constitution and what are the sensibilities of constitution by my learned friends
Mr. Jamal Abrar Mahdi and Mr. Khalid. The out of these articles of Constitution, Article 14 is very important so far as ourselves is concerned. And among Article 14, one word is there, that is rule of law. We have been governed by rule of law in the Constitution, but nowadays it has become rule by law. The difference between rule of law is rule by the Constitution, but rule by law is that which is been governed by colonial or rulers. That has been misused by the politicians of nowadays. To bring these facts of rule of law, it has to go to the every root of the society, and it has to be known to every individual of the country. And especially on the downtrodden, the weaker sections of the society, the poorer people of the society requires to know what is the Constitution and what is the importance of Constitution. And the APCR has a duty bound to get this knowledge to be imparted to the root of the people. And with that intention, we have come forward here, and we want to engage the Mohalla committees to see that this knowledge goes to the every individual of the society, and see that the every individual knows about the importance of the Constitution and its implementation. With that object, we have come forward here, and I want that you people to support us in every field and every step we take up, and not only by your participation, but also the participation of your friends and relatives. And I expect that the cooperation and the help from you people in implementing these rules and implementing these steps we have taken. And we expect that with wholeheartedly you will be supporting our aim and objects. With these few words, I conclude my statement. Thank you. Allah. Thank you. प्रोग्राम के का आखिरी हिस्सा वर्ड ऑफ थैंक्स है जो जनाब एजाज अहमद साहब के लिए है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौजूद सामेईन, कानून जो आम तौर पर होते हैं, एक तो अल्लाह ताला का कानून, एक इंसानों का बनाया हुआ कानून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अश्शम्स वल कमर बेहुस्बान वन नज्म वश्शजर यज्दान, कि अल्लाह का कानून वह है जिसकी इताअत शम्स और कमर करते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं, सितारे करते हैं, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां तक अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करते हैं। माहिरीन का कहना यह है कि इंसान एक समाजी जानवर है, और इस समाज में रहते हुए हम अपने आप को कवानीन के अतराफ घेराबंदी करते हैं। एक छोटा समाज कुछ उसूलों की पैरवी करता है, ये उसूल आगे जाते हैं तो कानून बनते हैं, और कानून आइन का रुतबा हासिल करते हैं, और आइन को जब दस्तूरी शक्ल दी जाती है तो वो दस्तूर हिंद होता है, कभी वो किसी और मुल्क का दस्तूर बन जाता है। आमतौर पर दुनिया में हर मुल्क के अपने अपने कानून होते हैं। हिंदुस्तान का जो कानून है
जो आईन है, जो दस्तूर है, वो राइटिंग शक्ल में है, जबकि और दूसरे मुल्क हैं जो रिटन सूरत में या लिखी हुई सूरत में नहीं है। बहरकैफ़ मेरा कहने का मतलब ये था कि कानून को हम कानून की इर्जादारी किए बगैर इंसान अपने मरातिब और मनसब को नहीं पहुंच सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कौम थी जिस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस किया गया था, वो कौम की हालत कुछ इस तरह थी। एक तरफ कैसर व खसरा की हुकूमत थी, ये दूसरी तरफ रोम की हुकूमत थी, और कोई भी इस हुजाज के एरे को अपनी हुदूद में शामिल करने से कासिर था। और कहा यह जाता था कि इन कुत्तों पर कौन हुकूमत करेगा, वो इसलिए कि ये किसी कानून की पैरवी नहीं किया करते थे। तो बात समझ में ये आती है, जो कानून की पैरवी नहीं करता वो समाज का बिल्कुल फासीदा मादा होता है, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त में हल्फल फजूल के नाम से एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया, एक कमेटी और एक तंजीम को तश्कील दी गई, जिसके नाम से हल्फल फजूल आज तक जाना जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अभी नबी नहीं बनाए गए थे, अपने आखिरी अय्याम तक इस बात का इरादा करते हैं। हमारे पास मजहबी रहनुमा बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि आखिरी अय्याम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात का इरादा करते थे कि फलां वक्त में हल्फल फजूल नाम से एक तंजीम कायम हुई थी, उसने जो कवानीन मुरतब किए थे, यानी इंसाफ करना, लोगों की हुदूद की या कवानीन की पाबंदी करना, इस पर जो रजामंदी हुई थी, आज भी मैं उसका एहतराम करता हूँ। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल हुई, नबूवत आए, आयत की गई, मबूस हुए, और कुरान का कुरानी आयात का नुजूल हुआ, और हम कुरानी आयात से आज मुस्तफ़ीज़ हैं। तो पहली बात तो ये कि एक अल्लाह का कानून जो कभी बदलता नहीं, जो पूरी कायनात पर असरअंदाज है, और इंसानों का कानून जो हर मुल्क का, हर समाज का, हर तबके का अपना अपना होता है, जैसे कि खाप पंचायत भी होती हैं। बहर कैद इन सारी बातों को समझने के लिए आज हम इकट्ठा हुए, और इसके प्लेटफॉर्म को जिला बख्शी APCR के ग्रुप ने, खासकर इसमें मेहनत APCR के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे सेक्रेटरी यूनुस साहब और दूसरे अहबाब ने, दादा पीर साहब और हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब, अब्दुल खालिद साहब, इन्होंने सर तोड़कर मेहनत की, और इस तमाम हम एक मौका आता कि हम सबको मिलजुल कर बैठने का। इसके लिए मैं APCR ग्रुप की तरफ से APCR के तमाम मेम्बरांस का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात, इसका इस काम के लिए मौका फराहम किया अमीर जमात जमात इस्लामी हिंद बल्लारी की शाख के अमीर जनाब नज़ीर बेलगामी साहब, जो आज किसी वजह से आ नहीं सके, इनका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका फराहम किया और ये सारा इंतज़ाम करने की इजाज़त दी। उनके मुआवजे में नायब अमीर जमात यहाँ पर हाजिर हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो इसकी हमको इजाज़त दी। सबसे अहम बात, हमने इंतज़ाम किया और इंतज़ाम का प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसे जिला जो बख्शी वो आप तमाम मौजिज़ान शहर, खासकर डायस पर बैठे हुए जो हजरात हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जलसे को रौनक बख्शी और इसे चार चांद लगाए, और हमें एक इत्मीनान नसीब फरमाया कि हमने कुछ कर दिखाया। उसमें खासकर है जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब हैं, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ तो अली जनाब माजिद साहब, एडवोकेट माजिद साहब, और उसके बाद वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन जनाब हुसैन पीरान साहब, और उसके बाद अब्दुल खालिक एडवोकेट साहब, और शहर काजी जैसे कि आपने जानते हैं, जनाब मोहम्मद सिद्दीकी साहब, और उसके बाद APCR के जो प्रेसिडेंट हैं यूसुफ़ साहब, एडवोकेट यूसुफ़ साहब,
और एडवोकेट जमालुद्दीन साहब, एडवोकेट अबरार साहब और हमारे बुजुर्ग तरीन बुजुर्ग तर EPCR के मेंबर हैं हाशमी साहब, और उसके साथ साथ पहली नशीस से लेकर आखिरी नशीस में बैठने वाले मौजिज़ान शहर, खासकर सियासी और समाजी रहनुमा, इन्होंने सबने मिलकर इस महफिल को जिला बख्शी, इसमें जान डाली, इसके लिए EPCR ग्रुप की तरफ से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। वाकुर दावाना अनिल हमदुल्लाह बिलाल।